नमस्कार, मैं पंकज और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। अभी मैं मुंगेर के श्री श्री 108 बड़ी दुर्गा महारानी जी मुंगेर के ठीक सामने खड़ा हूँ। आप ये प्रतिमा देख सकते हैं और लोगों की उत्साह देखिए। यहाँ पर ये दुर्गा जी महारानी है, यहाँ पर ये लोग जो है प्रसाद चढ़ा रहे हैं और उत्साह देखिए लोगों को और भक्तों में देखिए किस तरह से लोग उसका प्रोटोकॉल का फॉलो भी करते हैं और इसके साथ साथ लोग किस तरह से मनाते हैं। पिछले बार कोविड में उतना अच्छा से नहीं मनाया गया, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कितने अच्छे से धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप इनसे पूछ सकते हैं और यहाँ के हम लोगों से जानते हैं, वो कैसे मनाते हैं और यहाँ के उत्साह कैसे है। तो थोड़ा एक मिनट भाई, थोड़ा जवाब दे दीजिए। बताओ भाई, नाम क्या है? जय मिश्रा। जय मिश्रा। अच्छा, कैसे मना रहे हैं इस बार? बहुत अच्छे से मना रहे हैं। हाँ, तो इसका थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा ये दुर्गा महारानी जी मुंगेर इसका महत्व क्या है? यहाँ कितने दूरों से लोग आते हैं? यहाँ पे हजारों, बहुत करोड़ों भक्त आते हैं माता रानी के दर्शन। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? विदेश से, पूरे जगह से आते हैं। विदेश पूरे जगह से, ऑल इंडिया से आते हैं। और भी यहाँ का कुछ महत्व बताएं, यहाँ पर कौन कौन सा महत्व है, यहाँ पर लोग क्यों आते हैं, यहाँ पर इतना महत्व क्यों है? यहाँ के जो लोग हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। और ये जो है यहाँ पर सामने में अध्यक्ष है और इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सर बताइएगा, एक मिनट जो क्या क्या बता। मैं माता रानी का अभी वीडियो एक आया है, वो पूरे संपूर्ण देश ने, देश विदेश सब देख रहा है। उसमें बड़ी देवी माँ चंडिका स्थान, दशभुजी स्थान, सबका तस्वीर है। यूट्यूब चैनल हमारा है सुनील मिश्रा ऑफिशियल, उसमें बहुत बढ़िया भजन गाया हूँ। नहीं दिया सोना चाहिए, मैं गा देता हूँ। बोलिए बड़ी देवी मैया की। देखिए ये भजन मैया का मैं गाया हूँ। नहीं दिया हीरा मोती, नहीं दिया हीरा मोती, नहीं सोना चांदी, दर्शन दिया माँ दुर्गा महारानी, दर्शन दिया माँ दुर्गा महारानी। ये भजन काफी पॉपुलर हो रहा है, सबके यूट्यूब में है, आप भी देखें। सुनील मिश्रा ऑफिशियल। तो ये थे यहाँ सुनील मिश्रा जी और बता रहे थे ये जो ऑफिशियल है और ये जो गाना है इतना पॉपुलर हो रहा है और भजन सम्राट। और फिर हम यहाँ के लोगों से भी जानेंगे, इसके बातचीत में यहाँ के महत्व जानेंगे। पिछले बार और इस बार के मुकाबला में कितना अंतर है, ये लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। तो तब तक के लिए आप देखिए यहाँ की जो सिचुएशन है, किस तरह से लोग एक मिनट थोड़ा साइड हो रहे हैं भीड़ बढ़ने के कारण यहाँ पर अच्छा से शूट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए पानी के लिए और नीचे में इतना नारियल का पानी भर गया है, वीडियो शूट करने में भी काफी तकलीफ हो रही है। अभी मैं हूँ मुंगेर के बड़ी दुर्गा महारानी जी के पास। ये वही जगह है जहाँ पिछले वर्ष जुलूस में लिपि सिंह द्वारा क्रूर शासन का दिखाया गया था। लिपि सिंह द्वारा इस पर गोली चलाया गया था लोगों पर, वो भक्तों पर, जिसमें एक लोगों की हत्या हो गई थी। ये वही जगह है और यहाँ का जो श्रद्धा है, ये ऐसा कहा जाता है जो ये गुलाब पंडित जो शिल्पकार थे, उन्होंने मूर्ति बनाया, उसके बाद मूर्ति इतना फेमस हो गया जो विश्वभर में इसका प्रचलन, विश्वभर में ये प्रख्यात हो गया। उसके बाद इंदिरा गांधी द्वारा गुलाब पंडित को पुरस्कृत भी किया गया, जिसके बाद से हर बार उसी सांचा पर ऐसा कहा जाता है जो वर्क किया जाता है। ये वही मंदिर है, आप ठीक इसके सामने में देख सकते हैं, श्रद्धालु पूरा खचाखच भरे हैं। आप ये देखिए, इसका इतिहास तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप देखिए पिछले बार जो क्रूर शासन था लिपि सिंह द्वारा, उसमें एक लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग उसमें जख्मी भी हो गए थे। ये लिपि सिंह की सरकार थी। इस बार ऐसा कहा जाता है जो प्रशासन बहुत अच्छे से नरमी बर्ताव कर रही है। इसमें आप देख भी सकते हैं पिछले बार के जो वार्ता हुआ था उस कोविड के दरमियान में, बिकॉज लिपि सिंह कहे थे कोविड का फॉलो नहीं हो रहा है, जिसके कारण उसको ऐसा एक्शन लेना पड़ा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोगों में कोई भी खौफ नहीं है, फिर भी लोग यहाँ पर आए हैं और श्रद्धालु यहाँ पर जुड़े हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे में बैकग्राउंड में कितने श्रद्धालु, करीब अमूमन 10,000 के आसपास यहाँ पर लोग होंगे अभी भी, 10,000 जो अभी जुड़े हैं। और भी धीरे धीरे शाम ढल रहा है और लोगों की संख्या बढ़ रही है। तब चलिए जानते हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, कैसा है यहाँ का, इस बार का सिचुएशन कैसा है, पहले बार का सिचुएशन कैसा था। हमारे साथ कुछ भक्त भी जुड़ चुके हैं जो बड़ी दुर्गा माँ के दर्शन के लिए आए हुए हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि इनकी आशाएं और क्या क्या सोच करके बड़ी माता के पास ये आए हुए हैं, बड़ी दुर्गा माँ के पास। हम चेकपुरा से आए हैं और बड़ी माता का बहुत कृपा है, हम लोग
प्रोग्राम नहीं बनाए थे, फिर भी याद आ गया माता का, इसलिए बड़ी माता का बहुत नाम सुने थे मंदिर का, इसलिए आए माता से मिलने के लिए। हम लोग बाइक से ही चले आए हैं इतना दूर से। और मान्यताएं यहाँ के बारे में आपने सुना भी बहुत कुछ होगा, तो उसके बारे में कुछ? यहाँ के बारे में ऑल इंडिया जानता है, मुंगेर की बड़ी दुर्गा माता के बारे में ऑल इंडिया जानता है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मिलने के लिए, माता का दर्शन करने के लिए बहुत जगह से आते हैं। मंदिर के पूजा कमेटी के जो लोग हैं उनसे बातें करते हैं और जानते हैं। परिचय, हम यहाँ के उप सभापति हैं बोध नारायण यादव। सर आप बता सकते हैं कि मंदिर की महत्व क्या है, ये मंदिर कब से शुरुआत की गई पूजा पाठ? इसके बारे में हम लोग को पता नहीं है, बहुत दिन से पुराना है, इसमें कोई सन अथी का पता नहीं लग रहा है। और मंदिर की प्रतिमा के बारे में बोला जाता है कि पंडित गुलाब थे, गुलाब पंडित जो थे वो इस मंदिर की जो प्रतिमा है उसको जो शिल्पकार थे वो थे। इसके पहले छक्कू पंडित करता था, हाँ। मुगल बाजार का, उसके बाद में गुलाब पंडित आया है। अब गुलाब पंडित के बाद नाना उनका नाती जो है नंद किशोर पंडित वही अभी बना रहा है। तो अभी इस बार मंदिर की व्यवस्थाएं कैसी है, क्योंकि 2 साल से तो कोविड के दौरान हुई नहीं है कुछ? तो चल रहा था, लेकिन अभी जो चल रहा है बापनार कमेटी की तरफ से बहुत बढ़िया चल रहा है, प्रशासन भी साथ दे रहा है, अब आगे देखिए क्या होता है। प्रशासन के साथ की आपने बात की, तो पिछली बार जब ऑर्गेनाइज हुआ था यहाँ पे दुर्गा पूजा तो सबसे बड़ा धोखा प्रशासन की ही तरफ से मिला था। हाँ, तो प्रशासन की तरफ से वहाँ मिला, रास्ता में ना हम लोग के साथ ऐसा हुआ है। उसके बारे में आपका कुछ ओपिनियन? हाँ, भवानंद बाबू से बात करें। मैं बड़ी दुर्गा पूजा समिति का अंकेक्षक हूँ, मेरा नाम राजेंद्र पासवान है। मैं विगत 30 वर्ष से जो है माँ का सेवा कर रहा हूँ, 30-40 वर्ष से, और कितना उतार चढ़ाव भी आए हैं। इस परिस्थिति में हम लोग जो है कार्यकर्ता के साथ मिलजुल करके प्रशासन के मदद ले करके हम लोग जो है दुर्गा पूजा को संपन्न करते हैं। सर इस बार भीड़ की क्या स्थिति है? इस बार भीड़ तो जो है हमारा एक पूजा से ही जो है अधिक होने लगा, उसके बाद जो है अभी 7 पूजा के तो 3 बजे भोरे से जो है इतना भीड़ होना स्टार्ट हुआ कि कंटिन्यू जो है भीड़ चलती रही। आज कल अष्टमी थी, अष्टमी के भी माता के जो है जो डलिया चढ़ाते हैं श्रद्धालु वो सब आते हैं, और वो यह कंटिन्यू रात तक भीड़ चलती रही। आज जो है आज हवन हुई, जिसमें जो है हवन कार्ड में जो है जितने महिला हैं सब आती है, और भी लोग आते हैं श्रद्धालु, सब जो है अच्छी तरह से पूजा कर रहे हैं, भीड़ बहुत अधिक हो रही है। और एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जो यहाँ का विसर्जन की जो यहाँ की रही है हमेशा से एक व्यवस्था, वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कि माता का सबको कंधा लेना, और एक विसर्जन के दौरान ही पिछली बार जो घटना भी घटी थी, तो उस प्रथा और उस वो जो प्रचलन है उसके बारे में आप कुछ बताएं? बात है कि मुंगेर में जो है विसर्जन, दुर्गा पूजा विसर्जन पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, हम मेरे विचार से तो वर्ल्ड बेसिस पर जो है इसको आंका जा सकता है कि ये जो है विसर्जन जो होती है मुंगेर में बहुत बृहद पैमाने से होते हैं और नियम तय होती है। और ख़ास करके मेरा बड़ी दुर्गा पूजा समिति की ओर से जो दुर्गा माँ उठती है ये जो है शुरू से आदि हम लोगों का जो है अज्ञात है कि कब बनी है, लेकिन जो है शुरू से ही एक कहार पर उठती है, 32 को कहार है जिसको हम लोग जो है सारथी कहते हैं, वो सारथी पर उठती है। और भी जितना मुंगेर और बाहर से आए हुए व्यक्ति जितने भी है श्रद्धालु वो सब माता के जो है कंधा लगाने के लिए व्याकुल रहते हैं माता से आशीर्वाद लेने के लिए। सर पिछले बार की जो घटना हुई थी एक युवक की मौत हो गई थी, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं? उसके बाद उसका तो हम आंखों देखा हाल है, हम लोग जो है दुर्गा माँ का जो है विसर्जन के समय पहली बात तो जो है जो बीत गई है हम बात छेड़ना नहीं चाहते हैं,
इस बार प्रशासन सहयोग कर रही है, लेकिन अगले बार जो हुई वो दुर्भाग्य था, जिसमें जो है हमारे जिला के आरक्षक अधीक्षक के जो है भूल के कारण या भ्रांत होने के कारण जो है जो भी हुआ वो बहुत दर्दनाक हुई, जिसका हम लोग दोबारा बोलना नहीं चाहते हैं। सर, इन सारी घटनाओं के होने के बाद प्रशासन पे इस पूजा समिति और यहाँ के लोगों को कितना भरोसा रह चुका है? इस बार तो भरोसा जो है बहुत अच्छी मिली है। डीएम साहब, एसपी साहब और अनुमंडलाधिकारी के बहुत सहयोग है और डीएसपी साहब का, हम लोगों के साथ मीटिंग बहुत वर्चस्व 5-6 मीटिंग हो चुकी है, जिसमें जो है आश्वासन बहुत अच्छी मिली है और उनका जो है सहयोग भी इस बार हम लोगों को मिल रही है। सर, एक और चीज़ सुनने को मिलती है कि माता सुबह 3 बजे उठती हैं और जो विसर्जन का जो प्रक्रिया होता है उसके बारे में कुछ बताएं। विसर्जन जो है 10वीं पूजा के माता के खोइचा देने के बाद हम लोग जो है यहाँ 4 बजे जो है दुर्गा माँ का जो है मंदिर से जो है बाहर निकालते हैं। मंदिर से बाहर निकालने के बाद सारी व्यवस्था वगैरह करते हैं, क्योंकि कहार पर उठती है, कहार को उठाने के लिए बहुत सा बांस बल्ले लगते हैं। उस परिस्थिति में हम लोगों का जो है यहाँ 5-6 बज जाती है। उसके बाद जो है प्रशासन को हम लोग लिखित में समय सारणी दे चुके हैं कि कितने बजे कहाँ हम लोगों को रुकना है, कहाँ जाना है। उन्होंने जो है उस समय सारणी को जो है समर्थन किया और कहा कि बहुत अच्छी बात है, आपके साथ हम रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप सहयोग ले सकते हैं। मतलब पूजा समिति की प्रशासन पे पूरी भरोसा है इस बार? भरोसा है। मैं राजीव कुमार हूँ, मैं वॉलंटियर हूँ, मैं ना कोई एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ ना ये हूँ, मैं एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ, बाकायदा छुट्टी लेके यहाँ आता हूँ अपने आस्था के तौर पर। मेरा नाम राजीव कुमार है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर हूँ रेलवे में। और आस्था ये है कि हम लोग, मेरा चूँकि नेटिव प्लेस है तो बचपन से मेरा एक इन्वॉल्वमेंट रहा है और ऐसी परंपरा रही है इसकी जो 32 कहार बताए हैं। 32 कहार का रास्ता भी बहुत सुनिश्चित है। सुनिश्चित यह है कि जब मुंगेर सर का, मेरा अपना अनुमान है, बाकी कहाँ तक सब तथ्य है ये पहले के लोग बताएंगे, तो माँ अम्बे चौक यहाँ से जाती है तो माँ अम्बे चौक के आगे जो आबादी नहीं होती थी, उसके बाद ये पूरे शहर में भ्रमण करके अपने प्यार को आच्छादित करके माता रानी जाती है, फिर भगत सिंह चौक पर जाके ये वापस रिवर्ट हो जाती है। कहावत ये है हम लोग के हिंदू परंपरा में कि महिला जब भी घर से छोड़ती है तो वापस अपने इधर की तरफ मुड़ के नहीं देखती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज़ इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।